फ्लैट सिस्टम की आप बात करें तो उसमें वैसे काफ़ी मतलब अनलाइकली सी सिचुएशन है, लेकिन अगर कोई डैमेज हो जाता है, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ जाता है, जैसे कराची में बिल्डिंग्स गिर अभी एक रिसेंटली गिरी है, तो उस केस में आपने तो पैसे दिए हुए, तो फिर उस केस में आपको क्या वापस? ये सबसे अनफॉर्चुनेट जो है हमारा वो है कि हाई राइज बिल्डिंग के हवाले से पाकिस्तान में कानून मौजूद नहीं है, बल्कि जब आपके वही अर्थक्वेक के बाद वो कराची में कराची से पहले इस्लामाबाद में हुआ, जहाँ पर वो 21 मंजिला बिल्डिंग गिरी थी, वो जब अर्थक्वेक आया था, और वो बहुत महंगे फ्लैट्स थे उस दौर के अंदर, उनकी वर्थ करोड़ों रुपए में थी, लेकिन वो आज भी वैसे के वैसे ही पड़ा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसका कानून अभी तक जो है इस तरह से कुछ स्ट्रिक्टो सेंसर नहीं है कि जो बाद में उसको कहे कि अगर कोई इस तरह का क्लैप्स होगा तो वो दोबारा उनके करके वो उनके राइट्स हैं, वो दोबारा या तो बिल्डर कंस्ट्रक्ट करे, वो आपस में कोई अमिकेबली सेटलमेंट करें तो करें, अब थ्रू लॉ उसको बिल्डर को फोर्स नहीं किया जा सकता कि मुझे दोबारा बना के दे। और अर्थक्वेक के सिचुएशन में या नेचुरल फोर्स मेजोर जिसे हम कहते हैं, उसमें स्टेट की ऑब्लिगेशन होती है कि आपने रीइंस्टेट करना है बिल्डिंग्स को, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रीइंस्टेट करना है, और एक कानून है जो नेचुरल डिजास्टर से डील भी करता है, उसमें बहुत नॉमिनल से डैमेजेस वगैरह आपको अवार्ड हो जाते हैं स्टेट की तरफ से, लेकिन ऐसा सच कानून कोई नहीं है कि जिसकी हम बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन देखें कि जी अर्थक्वेक आ गया तो लोग पहुंच गए हैं बिल्डर बिल्डिंग ऑनर्स के पास, क्योंकि फोर्स मेजोर जो है ना वो एक्ट ऑफ गॉड है, आप उसको किसी तरीके से रोक भी नहीं सकते। तो दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एक ही स्टांस के ऊपर होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी की प्रॉपर्टी खरीद ली है या किसी ने आपसे पैसे ले लिए हुए हैं और आपके पास उसकी प्रॉपर्टी है, आपने उसे पूरे पैसे नहीं दिए, आपने एक चंक दिया है पैसों का, इंस्टॉलमेंट पे की है, तो जब प्रॉपर्टी कोलैप्स करेगी तो उसके पैसे भी वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे और आपके पास जो जो जितना आपने एंजॉय कर लिया वही आपके साथ रह जाएगा। सर उसमें ये भी है कि एक्ट ऑफ गॉड के अंदर, मतलब मैंने लंदन का लॉ भी पढ़ा है, कहीं पर भी ये नहीं है कि आप कहें कि कॉम्पनसेशन हो, जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पे कि स्टेट आपके लिए कुछ कर दे तो कर दे, लेकिन एक्ट ऑफ लॉ, एक्ट ऑफ गॉड के अंदर इस तरह नहीं होगा कि आपको, आप कहें कि जी मेरा घर गिर गया है, इसके अंदर अर्थक्वेक आया है, डिमोलिश हो गया तो मुझे नया बना दें या इसके लिए मुझे कॉम्पनसेट करें, कोई पैसे दिए जाएं, ये नहीं होता कहीं पे भी, ये वर्ल्ड वाइड लॉ नहीं है। लेकिन इसमें बेसिक इशू ये होता है कि अगर फर्स्ट करें किसी का घर गिर गया, लैंड उसकी मौजूद है, कल को उसके पास पैसे हैं, वो दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर सकता है। हाई राइज बिल्डिंग के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि आप शेयरर होते हैं, ठीक है, अब मुझे फर्स्ट करें मैंने फर्स्ट फ्लोर पे कोई फ्लैट खरीदा हुआ, तो ग्राउंड फ्लोर पे कोई कंस्ट्रक्शन करेगा तो मैं फर्स्ट फ्लोर में अपने 10 फीट में जाके कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग जो है उसको मिल के कर रहे होते हैं, सो इसलिए वो लैंड वहीं की वहीं पड़ी रह जाती है। लैंड जो है वो बिल्डर की होती है, बिल्डर आगे सेल कर चुका होता है और वो अपने पैसे लेके जा चुका होता है, वो उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट नहीं करता, तो ये लोग ज़्यादा वो एक पुराने हाल जिनका नहीं होता उन लोगों में है जो कि फ्लैट्स वगैरह परचेज करते हैं, और पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो उनकी दादरसी कर सके इस तरह।